बीच लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में आप बिहार के गर्व के रंग देख रहे हैं। तालियों के साथ राघोपुर की जनता का स्वागत। तालियों की इस गड़गड़ाहट से आप समझ गए होंगे कि राघोपुर में कितना दम है, लेकिन सवाल है कि चुनावी पार्टियों में कितना दम है। राघोपुर का राग पिछले 25 सालों से, 5 साल छोड़ दीजिए तो, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए रहा था, लेकिन इस बार की कहानी क्या होगी? तेजस्वी यादव के सामने इस बार बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सतीश यादव जी, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और सतीश यादव जी वही शख्स हैं जिन्होंने इकलौते बार लालू यादव के परिवार से राबड़ी देवी को 2010 में यहीं पर राघोपुर से शिकस्त दी थी, और इस बार वो चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव तो नहीं आए हैं, लेकिन हमारे साथ हैं मुकेश रोशन। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मुकेश रोशन का परिचय आपको बता दूं। मुकेश रोशन महुआ से उम्मीदवार है, जो कि पहले तेज प्रताप उनके भाई की सीट थी, तो लालू प्रसाद यादव के घर से ही लोग समझ लीजिए आसपास के इलाकों में रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुकेश रोशन जी और राकेश रोशन जी का परिचय कराऊंगी। अब राकेश रोशन जी का परिचय सुनिए। ये LJP के उम्मीदवार हैं, यानी रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार। बीजेपी कह रही है ये इसलिए आए हैं ताकि इनको फायदा हो और बीजेपी को नुकसान हो। समझ लीजिए कैसे आंकड़ा बैठ रहा है। और अब आपका परिचय उस शख्स से कराऊंगी जो कि पप्पू यादव की पार्टी जैप के है। तालियों के साथ राजा यादव का स्वागत। एक चुनाव तो आगे होगा, लेकिन उससे पहले हमने सभी उम्मीदवारों को मंच पर खड़ा कर दिया है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप लोग किस तरह के सवाल पूछकर अपनी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी नेताओं से लेते हैं। लेकिन उससे पहले राघोपुर की मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट। राष्ट्रतिलक में हम पटना से पहुंचे हैं राघोपुर। राघोपुर जहां पर तेजस्वी की सीट है, लालू का लाल जिसे RJD कहती है, उस तेजस्वी यादव के लिए क्या वाकई यहां पर इम्तिहान है? ये तो हम लोगों से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 1995 से ही ये लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का उनके परिवार के लिए गढ़ रहा है। वो लगातार जीते और उनके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहां से चुनावी मैदान में उतरी और वो भी जीतती रही और फिर पहुंचे तेजस्वी यादव। लेकिन हाँ, 2010 में सिर्फ एक बार यहां से RJD की हार हुई, जब सतीश यादव ने JDU के टिकट पर राबड़ी देवी को मात दी थी। लेकिन एक बार फिर 2015 की जीत के बाद तेजस्वी यादव यहां चुनावी मैदान में है। और बात करते हैं राघोपुर के लोगों से कि क्या वो तेजस्वी यादव में वो युवा नेतृत्व का क्षमता देखते हैं उसकी, कि वो आने वाले दिनों में बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं राघोपुर की सड़कों पर और पूछते हैं लोगों से किसके लिए वोट करिएगा। और तेजस्वी यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? देखिए, एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का जो है मौका देना चाहिए, क्योंकि एक नया नेतृत्व बिहार खोज रहा है। नीतीश कुमार खाली बच्चे लोग को लाइफ बर्बाद किया है। हमने अपना बेटा को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, जो BA फाइनल करके घूम रहा है उसके लिए कोई जॉब नहीं है। ऐसे नीतीश कुमार को 15 साल का मौका मिला तो युवा है, उनको भी मतलब मौका दिया जाए 5 साल। अगर 5 साल में अगर विकास नहीं करते तो उनको भी जनता चेंज करेगी। और यहाँ से LJP राकेश रोशन मैदान में है, LJP से वही जीतेगा। यहाँ से तेजस्वी यादव जो बोलते हैं 10 लाख नौकरियाँ देंगे साल में, तो आज तक राघोपुर में कितने नौकरियाँ दिए? जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट देंगे, विकास के नाम पर वोट देंगे। के जीती? तेजस्वी यादव को तो हम वोट देंगे, नौजवान नेता है। अब बुढ़वा के तो टंगी लाठी जगह चलता है, तो बुढ़वा क्या करेगा, टंगा दिए ना। विकास हुआ है यहाँ ना कुछ और कथ के विकास में भी? हाँ, आप किसको दीजिएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलनी चाहिए। आप बताइए नीतीश जी किसको रोजगार दिए, कितना रोजगार दिए? नौमी फेल 10 लाख नौकरी, क्या वो बता सकते हैं कि 10 लाख नौकरी जो है वह नौमी फेल वालों को देंगे या पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट को देंगे? तेजस्वी यादव जीतेंगे।
फुल बहुमत से सर जीतेंगे, विकास किए हैं सर। तो राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं और गढ़ रहा है आरजेडी का, वहीं के हम सरकारी अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिदुपुर वैशाली वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ महिलाएं यहां पर हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्था है अंदर, कैसी व्यवस्था है। डॉक्टर साहब आते हैं देखते हैं? नहीं डॉक्टर साहब नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं। आप बताइए डॉक्टर थे? नहीं अभी तो आए हैं तो डॉक्टर नहीं है। अच्छा, इलाज हो रहा है, डॉक्टर है अंदर? डॉक्टर तो नहीं है। तो कुछ और युवा यहाँ पर है, आप लोग क्या सोचते थे तेजस्वी यादव यहाँ से चुनावी मैदान में किसके लिए वोट कीजिए? इस बार परिवर्तन का दौर है, इस बार आरजेडी की यहाँ से निकलने जा रही है। हमको तो राकेश रोशन जीत रहा है यहाँ से। तो सुनिए आपने राघोपुर के जनता की बात, क्या थी लोगों की राय, ये हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा दिया है। अब लेकिन बारी आपकी है, आप लोग व्यवस्थित तरीके से अगर थोड़ा सा यहाँ पर नियमों का पालन करेंगे, मैं आप लोगों के भी सवाल लूंगी, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आपके साथ मुकेश रोशन जी। तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में तो है, लेकिन कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वो आए नहीं पिछले 5 सालों में। दूसरा एक आरोप, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, अरे विधायक है तो कुछ तो बदल सकते हैं ना सूरत यहाँ की, तस्वीर यहाँ की। अभी यहाँ पे जो है विकास जो हुआ है वो तेजस्वी यादव जी ने ही किया है, नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से हैं, उनका स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हुआ है यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम रहे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किए, और यहाँ की जितनी सड़कें हैं वो तेजस्वी यादव जी का देन है, हजारों करोड़ रुपए वैशाली जिले में देने का। अस्पताल पर आपने क्या जवाब दिया? अस्पताल का व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य मंत्री, एक सेकंड, जब तेज प्रताप यादव जी थे उस समय सुविधा बढ़ा था, बगल में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है महुआ में। नहीं नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं आ रहा है, उस पर तो जवाब दिया ही नहीं आपने। अभी तो नीतीश कुमार जी से पूछिए ना। वहाँ पर गई लगभग काफी देर रही, आशा वर्कर्स थी, उनकी अपनी शिकायत थी, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं, ये कौन देखेगा? पिछले 15 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। एक विश्राम घर जो बताया, एक सेकंड पूरा सवाल सुनिए, एक जो विश्राम घर है वहाँ पर जिस पर नाम भी लिखा हुआ है कि तेजस्वी यादव ने उद्घाटन किया, वहाँ चारा की बोरियाँ पड़ी हुई थी, ये आपको दिख रहा होगा, वहाँ चारा की बोरियाँ नहीं रहती है। वहाँ पे आप जाके देखिए कि जो स्वास्थ्य महकमा है पिछले 15 साल से भाजपा के मंत्री हैं, और क्या विकास किए हैं। अभी हमारे तेजस्वी यादव जी को जब मौका मिला तो वैशाली जिला में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। सतीश कुमार जी के पास अब चलते हैं। सतीश कुमार जी, 2010 के बाद जब आपने राबड़ी देवी को हराया था, बात हो गई पुरानी, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है, इंडिया टुडे के सर्वे में भी यही बात सामने आई है, कैसे मुकाबला कीजिएगा, क्या कहिएगा? वो तो 10 लाख नौकरियों को वादा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कम से कम नौकरी की कोई बात तो कर रहा है। झूठ का खजाना है तेजस्वी जी का, जो भी स्टेटमेंट है झूठा है। जब 10 में मैं चुनाव जीता था राघोपुर से, तो राघोपुर में कोई विकास नहीं हुआ था, और राघोपुर में 6 लेन पुल नीतीश जी ने देने का काम किया, उद्घाटन तेजस्वी यादव जी किए थे 23 अगस्त 2015 को, जिस समय मैं विधायक था उस समय से पुल का शिलान्यास हुआ था। राघोपुर कटाव का इलाका है, एक भी बोल्डर पिचिंग लालू जी के राज में नहीं हुआ था, और 250 करोड़ का बोल्डर पिचिंग करवा के राघोपुर को सुरक्षित करने का काम किया। ये लोग राघोपुर में बात करते हैं, राघोपुर की बात नहीं करते हैं। राघोपुर में एक रेफरल बीजेपी और जदयू के लोग जो है लालू जी बनवाए थे, बस स्वीकृति मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। माननीय चंद्रमोहन मिल करके 2006 में उस अस्पताल का स्वीकृति दिलवाया, और 2005 के पहले पूरे बिहार के अस्पतालों में कुछ बेड पर कुत्ते बैठा करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद सभी बेड पर मरीज रहते हैं और डॉक्टर उनका इलाज करता है, फ्री में दवा मिलता है। चलिए ग्राउंड रिपोर्ट आपके भी इलाकों की दिखाएंगे, इनके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है, कल मैनिफेस्टो में क्या वादा कीजिएगा, ये तो बताया नहीं आपने क्या मैनिफेस्टो में। अरे मैनिफेस्टो तो सुनिए इनका, कल मैनिफेस्टो में क्या वादा होगा? मैनिफेस्टो में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और नीतीश जी का न्याय के साथ विकास, कानून का राज मेरा मैनिफेस्टो है, कि हर नौजवान को हम इतना ट्रेंड कर दें कि वो खुद रोजगार बनाने लायक हो जाए। और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी पिछले 15 साल में शोर मत कीजिए प्लीज, कम से कम 10 लाख नौकरी दे चुके हैं, और जो शिक्षक के हाथ दिया नहीं जलता था नीतीश कुमार उनको 30,000 रुपए का दिया है, और उनके घर में दीपावली मन रही है। प्लीज आप लोग शोर, आपके लोग हैं, आप इशा बोलिए, थोड़ा आगे बढ़ के बोलिए,
आगे बढ़ के बोलिए। शांत हो ही नहीं सकते ये लोग, संस्कार ही नहीं है। रुक जाओ शो नहीं हो पाएगा। इन्हीं चलते लालू जी आज बदनाम हो गए। कहा था राघोपुर के यही संस्कार है, क्या कीजिएगा। अब आप जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है कि आप आरजेडी को जिताने के लिए यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या जवाब होगा। मैडम आपके चैनल पे श्री चिराग पासवान जी ने ये बता दिया था कि मैंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को पहले ही बता दिया था कि इन 5 सीटों पर मैं हमारा कैंडिडेट उम्मीदवार होगा, इन उन कैंडिडेटों को लड़ाया जाएगा जो मेरे पार्टी के लिए अहम है। ये श्री चिराग पासवान जी का बयान है। और आपके चैनल पे श्वेता जी का इंटरव्यू ली थी, उस पर श्री चिराग पासवान ने इसका जवाब दे दिया है। जिस दिन चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, उसी दिन डीलिंग हो गया। तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान की डीलिंग हो गई कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार किसी भी कीमत पर आरजेडी के साथ श्री चिराग पासवान जी नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। इनका जुमला है, आज तक इन लोगों ने राघोपुर में कोई विकास नहीं किया है। जनता विकल्प तलाश रही है, इन दोनों में विकल्प तलाश रही है। कोई नेता नहीं किया है। पहले तो एक मिनट भाई, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। एक बार आप बोलिए तो सर, आपकी पार्टी के लोग हैं सब। चुप हो जाओ। देखिए मैं तो पहले यहाँ पर जितने भी मेरे युवा साथी आए हैं राघोपुर से और बिद्धपुर प्रखंड से, मैं सभी को मैं प्रणाम। और मैं आपको बता रहा हूँ मैडम कि ये सब जो हैं, या आरजेडी हो या बीजेपी हो, ये जो बड़े बड़े बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आज तक जब गठबंधन और गठबंधन की सरकार था, आज तक रेफरल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ राघोपुर में, आज तक नहीं हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ इन नेताओं, भ्रष्ट नेताओं से कहना चाहता हूँ, जिस समय कोरोना था उस समय ये लोग चार्टेड प्लान और एसी में सो रहे थे, जिस समय पप्पू यादव पूरे पटना में घूम रहे थे, लगता है कि ज्ञान का कमी है। जिंदगी की बात आई, जब जिंदगी बुखार की बात आई, तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही खड़ा रहा है। जिस समय कहा थे ये नेताओं, पूरे कोरोना में कहना चाहता हूँ, जिस समय भ्रष्ट नेता, जिस समय बच्चा मर रहा था चिमकी बुखार से, उस समय ये नेता कहाँ सोए हुए थे। पटना डूब रही थी उस समय, ये नेताओं कहाँ सो रहे थे। सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के भागते थे, सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के भागे। पटना में लाश दे रहा था, बच्चा दे रहा था, पटना में लाश दे रहा था कंकड़बाग में। उस समय नेता कहाँ थे, नेताओं अपने घर में थे। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, एक जवाब लेते हैं। तेजस्वी जी कहा थे बड़े दिन एक्शन से गायब है, कोरोना काल लगा में लोकसभा चुनाव के बाद सदमा लग गया है, अब एक्शन में आए हैं। जी पूरे कोरोना काल में राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही लोगों का मदद किया है, हजारों लोगों के बीच में खाना पहुंचाने का, मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, राघोपुर में तेजस्वी यादव जी का घर कहाँ है तो पूछिए, राघोपुर में डिग्री कॉलेज कहाँ है तो पूछिए, राघोपुर में युवाओं के लिए खेल मैदान कहाँ है, यही वैशाली जिला के धरती पर तेजस्वी यादव जी ने का काम किया। दाऊद नगर का रास्ता पूछिए, राघोपुर में दाऊद नगर में रास्ता कहाँ है, खलता में रास्ता कहाँ है, सिक्स लेन पुल, सिक्स लेन पुल, झूठ का खजाना, सिक्स लेन पुल की धरती पर नहीं सका, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं सका। तेजस्वी जी क्या थे, मैं कहना चाहता हूँ खजाना बोल रहे हैं। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मैं आप लोगों के सवाल तभी लूंगी जो मास्क पहना होगा, जिसने मास्क पहना होगा उसी का सवाल लूंगी। एक बार बात सुनिए, राघोपुर की जनता सुनिए, एक बार बात सुनिए। डिप्टी सीएम, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, राघोपुर के लोग हैं आप लोग, ऐसे करिए पूरा देश आपको देख रहा है। जो मास्क पहना होगा मैं उनके सवाल लेने के लिए आऊंगी उनके पास। कुछ नहीं है, प्लीज आप लोग शांत रहिए। डिप्टी सीएम बनाने का काम किया, जब राघोपुर में कुछ नहीं होता तो आज तक वाले नहीं आते। बड़े बड़े बात करते हैं, क्या राघोपुर में आज तक कुछ नहीं है। आप बताइए कि राघोपुर में एक डिग्री कॉलेज है क्या। अब देखिए युवाओं के लिए, आप लोगों ने नेताजी की एक बात ही नहीं सुनी। क्या नेताजी कह रहे हैं कि यहाँ पर आज तक नहीं आता अगर काम नहीं किया होता, ये कौन सी बात हुई। ये तो तेजस्वी यादव का गढ़ है, इसलिए आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि आपने चमका दिया राघोपुर को। कैसी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, अगर यहाँ पर नहीं होते तो सही में आप नहीं आते। आप चलिए बगल में और जाके पातेपुर देखिए, राघोपुर में मैडम, राघोपुर में मैं बता रहा हूँ, राघोपुर में पूछिए, एक मिनट, राघोपुर में पूछिए कि उनके ननिहाल कहाँ है, उनके मामू कौन है,
उनका ननिहाल कहाँ है? राघोपुर में उनका ननिहाल कहाँ है? प्लीज उनका घर कहाँ है? प्लीज इशारा कीजिए। राघोपुर में घर बनाने की बात करते थे, पूरी बहस सुनी नहीं रहे, आपस में शोर मचा रहे। सतीश जी, मैं पटना किस एजेंडे पर हुआ यहाँ पर तेजस्वी को चुनौती दे पाइए? विकास के एजेंडे पर तेजस्वी को चुनौती दे पाइए? ये जो बोल रहे हैं कि लालू जी विकास की है, तेजस्वी ज्यादा विकास की है। मास्क लगा लीजिए प्लीज। देखिए आप लोग मास्क लगा के रखिए, वरना नीचे नहीं आऊंगी मैं सवाल लेने। जल्दी लीजिए। विकास के एजेंडा पर यहाँ एनडीए की क्या है? विकास विकास स्कूल अस्पताल कहाँ? क्या पटना से आई है? जरुआ से इस बिंदु पर आने में 2 घंटा लगता था, 1.5 घंटा लगता था। नीतीश जी के राजपथ में रोड चौड़ीकरण हुआ और रोड सर पर दौड़ने वाला बन गया। और सुनिए मैडम, मैडम ये झूठ मैडम खजाना बोल रहा है। और यहाँ पे जो पंचायतें हैं 50 किलोमीटर दूर पर खंड कर डालने से है, यही यहाँ का विकास है। राघोपुर को बर्बाद करने का काम किया ये नेताओं ने, भ्रष्ट नेता। राघोपुर इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान उतर रहे, अब युवा चेहरा को तेजस्वी को कैसे चुनौती दीजिए? जहाँ तक राघोपुर की विकास की बात है, राघोपुर में जो भी बुनियादी अभाव है, जो भी मतलब उस शिक्षा संस्थानों का अभाव है, जो भी जो रोजगार की कमी है, जो भी मतलब अशिक्षा पलायन जो भी मुद्दा है यहाँ का, उसको दूर करने के लिए हम राघोपुर के जनता के बीच सवाल यहाँ से लेंगे। मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। सिर्फ नेता लोग बैठे हैं, मास्क पहनिए। किसी के पास मास्क नहीं है, मास्क ही नहीं है। आप बोलिए मैडम। मैं एक ही बात बोलूँगा, आप आए, काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर में है। इस बिहार की आवाज़ आप ही पहुँचा सकती हैं। मैं बता दूँ, हम युवा हैं, मुझे ना तो कपड़ा रोटी मकान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो शिक्षा चाहिए। और इस देश को, इस बिहार को अगर बर्बाद नेताओं ने किया तो शिक्षा के मामले में किया है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं कर जोड़ के इस देश के नेताओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपया मुझे इस देश को शिक्षा को दीजिए, मेडिकल सुविधा दीजिए, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं मुझे। यहाँ के सारे नेताओं सिर्फ अपना घर भरने के लिए, नित्यानंद राय जी कहते हैं कि मुझे दिल्ली में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे सर, आपने 5 साल आपको ये हाजीपुर की धरती 20 साल आपको मौका दिया, आप जब भी जीते दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं और हाजीपुर में एक बार देखने तक नहीं आते, फिर जिता करके आपको भेजने का काम कोई नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार आपको जमानत जब्त हो जाएगी, अब कोई आपको साथ नहीं देने वाला। शिक्षा की बात आपने अच्छी कही है, शिक्षा की बात। हटिए, एक सेकंड। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, और जदयू के कहते हैं कि 7 साल में 15 साल में रोजगार दिए, क्या रोजगार दिए? 72,000 संघ की स्वयं सेवक के रोड पर लाके खड़ा कर दिए। ठीक है, रोजगार को लेके एक सवाल था, क्या साफ आई? मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, ऊपर तक लगाइए। मेरा सवाल सतीश यादव जी से है कि जब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने 15 साल काम किया है, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नित्यानंद राय जी को, जो गिरिराज मंत्री है, उनको ये बयान देना पड़ा कि अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो यह आतंक का गढ़ बन जाएगा? अगर वो काम करते हैं तो काम की बुनियाद पर वो वोट मांगे? काम की बुनियाद पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? और अगर काम किया था तो नित्यानंद राय को ये सब बोलने की क्यों जरूरत पड़ गई कि अगर आरजेडी जीतेगी तो कश्मीर में जश्न मनेगा, कश्मीर बन जाएगा बिहार, ये सब कहने की क्या जरूरत है? देखिए, नित्यानंद जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। आज कल मैं रात में प्रचार के दौरान आ रहा था और हमारे गाड़ी रोक करके आरजेडी के लोग नारा लगाने लगे, घेरने लगे। मैं उतर के कहा कि आपकी काफिला आएगा तो आप नारा लगाना, हमारे उम्मीदवार आपके कैंडिडेट के खिलाफ नारा नहीं लगाएगा। ये हुड़दंगाई कर रहे हैं, हुड़दंगाई करके एक गरीब अरविंद साह को मारपीट किया गया है, केवल भाजपा का वोट लगाया है तो जुड़ावनपुर पंचायत में कि तुम अध्यक्ष क्यों बन गया, कमजोर जात को सताने का काम, मारने का काम। ठीक है, जल्दी से, वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, वो कौन मारपीट किया? चल रहे हैं, अगर विकास किए हुए थे तो आज माफी नहीं मांगना होता। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अब की बार अरवन नक्सली है ये लोग। इसी के साथ हमें आज का कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। राघोपुर की जनता का बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ आपका अभिवादन हमारे साथ शो में जाने के लिए। और मुझे लगता है शो का अंत आपके गाने के साथ हो। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। कल याद रखिएगा, मर जाए कल, एक सेकंड,
कल आपको बता दें कि कल हम पहुंचेंगे आरा और आरा से अपने शो में आरा की जनता के सवाल होंगे और उनके जवाब हम लेंगे। ठीक रात 8 बजे जुड़िएगा हमारे साथ सीधे आरा से। लेकिन अब आपको छोड़े जाते हैं इस गाने के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।